एक आदमी ऐसा है, मैं उसके बारे में जब सोचता हूँ, मैंने कहा यार अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उसके साथ जो चल रहा हूँ कैसे फेस कर रहा होता, मेंटली मेरे अंदर सब कुछ क्या चल रहा होता, मेरी मेंटल हेल्थ कैसी होती, मैं कैसा फील कर रहा होता। युजवेंद्र चहल, युजवेंद्र भाई के और मेरे काफ़ी सारे म्यूचुअल दोस्त हैं, काफ़ी सारे क्रिएटर हैं जिनकी उनसे बहुत बढ़िया बातचीत है, बहुत बढ़िया दोस्ती है। तो सब यही बताते हैं यार कि वो बंदा बहुत, मतलब जैसा वो दिखता है ना सोशल मीडिया पर, मस्त एकदम बढ़िया चिल वो वाला बंदा है। मतलब अकेला ऐसे क्रिकेटर है भाई जिसके अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं है। अगर वो किसी को भाई बोल रहा है तो मतलब भाई है, भाई की तरह कभी कॉल कर लो, कभी मैसेज कर लो, हमेशा अवेलेबल होगा। भाई उसकी फ्रेंचाइजी ने उसको ड्रॉप कर दिया, टीम से बाहर हो गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं उसके पास शायद पिछली बार से ही। उसकी वाइफ को टारगेट करके जो मीम बनता है भाई उसमें उसको ट्रोल किया जाता है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, संगीता फोगाट उसको ऐसे अपने कंधे पर उठा के घुमा रही है और वो मतलब दिख रहा है उसके फेस पर कितना अनकंफर्टेबल है। और पहले भी उसने किसी पॉडकास्ट में बताया था कि कोई बाहर का क्रिकेटर था जिसने दारू वारू पी के उसको बालकनी में लटका दिया था, और उसके जितने भी दोस्त वोस्त हैं क्रिकेटर वो भी उसको बहुत बुली करते हैं, कभी इंस्टाग्राम लाइव आ गया, कभी कमेंट सेक्शन में। और मैंने उस आदमी को हमेशा, मतलब हमेशा ही मैंने उसको चिल देखा है कि वो कमेंट करे, इसे बात करे, या जितनी भी चीज़ें पब्लिकली पोस्ट होती हैं जिनमें वो है वो सबकी रिस्पेक्ट करता है, सब मतलब फन वे में बहुत ही लाइवली सा लोंडा है वो। अब मुझे बड़ा बहुत दुख होता है यार जब भी मैं आजकल मैंने वो वीडियो देखी ना उसके ऊपर मीम देखता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। मैंने कहा यार क्या ही चल रहा होगा इसके दिमाग में। भाई आदमी के मेंटल हेल्थ की तो कभी कुछ बात होती ही नहीं। अभी उसकी जगह कोई लड़की होती ना, जो संगीता फोगाट ने उसके साथ किया, वो कोई लड़का लड़की के साथ कर देता, सोचो कोई रेसलर फीमेल क्रिकेटर के साथ कर देता, तो तब देखो कि लोग ऐसे ही हंसते कमेंट सेक्शन में कि यूजी भाई चक्कर आ गए, यूजी भाई ये, यूजी भाई वो। भाई है वो दुबला पतला, उसमें वो क्या कर सकता है, ये थोड़ी तो उसका मजाक बना दो उसकी मर्जी के बिना। वही वाली बात है, मर्द था इसीलिए सब हंस दिए, औरत होती तो बवाल हो जाता। हेलो, तो भाई इंसान जो है एक नौकरी लगने के बाद कितना चेंज हो जा, मतलब तुम्हें क्या लगे कितना चेंज हो जा, और अगर वो नौकरी सरकारी नौकरी हो तो। तुम्हें पता ही होगा कि हमारे एक दोस्त लक्ष्य बालियान की सरकारी नौकरी लगी थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और उसके बाद में उसे आज पहली बार लेने आया जॉब लगने के बाद। तो अभी वो जो है अपना वडोदरा से नोएडा आया है, और अभी मैं देखूँ उसके कुछ हाव भाव चेंज हुए क्या, या फिर अफसर की तरह बात करेगा, या फिर अभी भी दोस्त की तरह ही बात करेगा। थोड़ा तो बर्ताव में परिवर्तन है, मुझे 10 मिनट हो गए वेट करते करते और अभी तक तो आया नहीं, पहले टाइम से आ जाया करता था। चाल में फ़र्क आ गया, फ़र्क है पहले का बालियान और पोस्ट जॉब प्री जॉब। तुमसे जॉब लगी मैं देख रहा, तू वेट ज़्यादा करवा लगा लोगों को है भाई, आराम से आवे। सुबह 7 बजे पहुंचे तो थारे घर। सुबह ऐसा हुआ कि हम मेहदीपुर बालाजी थे और बालियान फ्लैट आ गया 7 बजे, हम भूल गए, हम रात जल्दी जल्दी में निकले थे। पहली रात निकले हम 8 बजे, हम 10-11 बजे तक पहुंच गए वहां, फिर हम 4 बजे से दर्शन की लाइन में लग गए और हम 7 बजे तक लाइन में ही थे। बालियान का फोन आया, हाँ भाई कहाँ हूँ। हम सब ठंडे पड़ गए, मैं कहा यार यू दो तो चाप भी हमारे पास है, खैर यहीं पे नोएडा में तो काफी अपना ही है नोएडा, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे यहाँ पे तो हो गया जुगाड़, चलो कोई नहीं। मी एंड माई अकेडमिक्स, तो आज बालियान ने ये कहा कि कहीं नोएडा में घुमा के लाओ हमें, लेकिन नोएडा में कोई घुमा के लाने की जगह ही नहीं है। अरे तो ये जोक्स ऑन यू, तुम हर जगह को यार कैसे कह दो, मुझे फंडा कर तुम यही कह दो। यहाँ नोएडा में सूफी तरीके से घूमने की जगह नहीं है, सूफी मतलब समझ जाएगा तू एक दिन। लेकिन अब अभी स्पेक्ट्रम मॉल जा रहे हैं, स्पेक्ट्रम मॉल यहाँ पे नया खुला, अभी खुलने 2 साल से खुलने ही लग रहा वो, तो वहाँ पे प्ले एरिया है एक, आज बालकों की तरह ट्रेम्पोलिन पार्क में ऐसे कूद देंगे। ट्रेम्पोलिन पार्क है वहाँ पे, दो लड़के कहाँ गए, दो लड़के गाड़ी निकालने गए दिखे। ट्रेम्पोलिन पार्क हो गया वो, मिक्की माउस का टेंट सा लगा रहा। ना 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 ना, वो तो शादियों वाला हो, ये थोड़ा हाई बजट है, थोड़ा हाई बजट है, सबसे हाई बजट चीज आई है। हाँ साला एक एज के बाद घुसने से बंद मना करते हैं भैया, उसमें चोट लगे दिल में। पेरेंट्स तो खुश हो जाते होंगे, लेकिन पेरेंट्स तो खुश हो जाते होंगे जिस शादी में रहता होगा, बालों बाल छोड़ दे उस पर एंजॉय करते करो। कोई कोई ऊपर से घूमता भी घूम के भी लगे नीचे आके, नाक टूटेगा गद्दे ही है ना। तो आज मौसम बड़ा बढ़िया है, लेकिन यार आज का उमदा मौसम है, ऐसे मौसम में तो काम भी ना करो बस। आगे भाई गड्ढे आज तो इतना बढ़िया मौसम है कसम से, सूफियान हवा है आज। ये हवा मुझे याद दिला रही अपने 12वीं के रिजल्ट की। ये हवा मुझे याद दिला रही पीएससी वाले दिन की। पीएससी? अच्छा, एक एक क्लास में वो टेस्ट नहीं हुआ था हमारा, एक पीएससी का एक टेस्ट था, पेपर था उस दिन 9th क्लास में। तो उस दिन दो लड़कियां थी हमारे मोहल्ले की जिसे मेयर बालियान स्टॉक कर रहे थे दिन भर। तुम तो बहुत खराब। उस दिन उन लड़कियों ने हमें बस हेलो बोल दिया था, हेलो भी नहीं बोल रहा था कुछ, मतलब हमारी तरफ हमारे डायरेक्शन में ब्रीथ कर दिया था।
इनकी तरह को करके करके हाँ सच में इतना ही था इतना ही था बस। और हमने वो दिन ऐसा मना लिया था कि बहुत क्रेजी दिन है आज का तो बारिश थी हवा थी हाँ सुहाना सा दिन वो तो आज भी लिखा हुआ दिन उससे अच्छा गया ही नहीं आज तक यो बहुत तेज भगाने लगा भाई नोएडा में इसका नाम चल रहा है भाई दिन से इतने बाल बढ़ाने शुरू करे हां उस दिन से रेस स्पीड नहीं कम हुई इसकी रॉकस्टार बन गए पैर नहीं हटा रहा उस दिन से हां पैर भारी हो गए उस दिन से जॉर्डन चौधरी हो गया तब से पागल हो गया फील ले रहा है किसी बात की अब देखा अब दिखाऊंगा तो मैं भगा के तो किसे कहें भगाना ठीक है इसे ज्यादा भी ना किया ड्रिफ्ट भी मार दे ड्रिफ्ट मार दे वहां पलट के खड़ी कर देगा गाड़ी को हल्की है हल्का है ना 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 ये तो मेरा ई रिक्शा वालों की बहुत आन लगी ये स्कॉर्पियो जनाजा है वैद्रा जनाजा ओ बढ़िया नाम है ऐसे गाड़ी का वैद्रा जनाजा अबे इंग्लिश में बढ़िया जे से शुरू हुआ नहीं भाई ऐसे नहीं रखा कर अपनी गाड़ी का नाम और बढ़िया बहुत अच्छा लड़कियां जाए तो नंबर ड्रॉप कर दो सारी कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छी बात है लाइन लग रही सोसाइटी के बाहर ऐसी चला दे वो गाड़ी कितना सही कर तेरे घर वाले के सामने भी कर दो जिस दिन से इसके बाल लंबे हुए दिक्कत कर रखी है अरे ये नहीं पता जिस दिन से एक चीज लंबी मेरे पास भी है एक दिन नींद में उतार दिया मैंने अच्छा नींद में रे तेरे बाल काट दे रसल लगे कोई नहीं भाइयों के लिए बाल भी सैक्रिफाइस काट दिए सुबह देख कहीं कितना बड़ा भाई है इतनी छोटी चीज जो मैंने कहता करता मैं कुछ यार कुछ और काट दे कोई नहीं भाई है फिर तो जिंदा वही है अहमदुल्ला देख रहे जी तेरे ओपिनियन बड़ा अच्छा वो है यहाँ इकट्ठा कर दूंगा तेरे ओपिनियन जब भी तू दे फ्लैट में स्पेक्ट्रम में लाके रख दूंगा कहाँ है अच्छा ये रही यार यहाँ तो कमजोरी सी लग रही है मॉल में फिलहाल तो पिछली वीडियो ऊपर से तो यूं है अब नीचे से लेग डे स्किप कर रहा हूं इसे भगा दे छोटे इस पर खड़ा हो गए पीछे से बालियान से धक्का लगवा देख मैं कैसा आ रहा पूरा कैडा तैयार हो गया घूमने वो ये तुम्हारे लिए खोल रखी थी कमजोरी तो है कमजोरी कमजोरी हाँ दिवाला बीच में ही निकल गया छोटे मॉल में परेशान कर दिया वो ये डीएलएफ में करके दिखा यही सही पूरी का पता लगा बालकों के ऊपर ये तो बढ़िया लग रहा है यार पर यार बच्चे छोटे ही हैं हम कैसे घोड़े लगेंगे बच्चों को तगड़ा कंपटीशन दे दो उम्र के हेल्पर है भाई खेला भी जा सके ऐसी बात नहीं है ये तो बालकों के लिए कैसा गाना चला रखा अभी स्मैश आए थे हम भाई इतनी गंदी स्मेल यहाँ पे इस मॉल के में जो स्मैश बनाया हुआ ना ऐसी स्मेल आ रही है जैसे बस पसीने ना तो कोई नागे आया हो और कोई नागे नहीं आया इन्होंने कभी परफ्यूम भी ना छिड़का अंदर कोई अरे सफोकेशन है अंदर बहुत बुरे लेवल की और इतना अजीब सा क्रिएट होगा ना इतनी खराब स्मेल से कोई कैसे ही एंजॉय कर लेगा उसे हाँ गेमिंग जोन कभी रहता ही नहीं अंडरग्राउंड जो है ओपन में रहे हमेशा ओपन में रहे ऊपर रहे थोड़ा बहुत फ्रेशनर्स वगैरह फ्रेशनर्स तो डाल दो वहाँ ऐसी बदबू आ रही दो मिनट में चक्कर आ जाए तार फुकरी अंदर उसमें टॉयलेट वाली बदबू है बिल्कुल इस मॉल से तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ पूरा यो दिखने का नहीं तुम्हारे लिए एक एक डेढ़ साल में खत्म हो जाएगा जीआईपी से ही बुरा हाल होगा इसका किसी के डाउनफॉल के लिए विश करना नहीं चाहिए बट मैं बता रहा थोड़ा फ्यूचरिस्टिक हो गए जीआईपी कम से कम कुछ ऐसा नाम रहा बड़े टाइम नाम रहा कम से कम एक दशक अरे ये सब भाई ये सब क्या है यार ये क्या है भाई ये गाड़ी में ये मर्सिडीज में गन्ने का भाई अभी तो मर्सिडीज में थे अभी आप लोग मिल गए ना अभी सही जगह पहुंच जाएंगे अच्छा ये गिफ्ट है क्या मेरा अरे भाई ये तो बताओ किंग किंग शौर्य किंग रे अरे अरे नाम से कस्टम है भाई बड़ा आप लोग बाकू से बाकू में मेरे किसी दोस्त ने गिफ्ट दिया मुझे अभी तक नहीं मिला भाई वो तो दे दो यार ये तो इसने लाया था मैं तो आपके आपको शर्म आ जाए फिर आप वो दे दो मेरा भाई घर पे पड़े वो कहां है वो दिए थे मैंने दिए था आप दिए थे ये देखो भाई दो इसको दिए थे मैंने वो कहां है वो मुझे तो दिए थे वो घर पे भाई मेरा दोस्त मुझे बोलता है ब्रो यू गॉट द गिफ्ट क्या बोलूं मैं
बोल दो भाई मिल गया, तुम भी उसे बोलता कि डू यू लाइक इट, लगा वीडियो कॉल करनी नहीं चढ़ने जो भी मतलब अगर भाई पार्टी कर रहे हैं चल के सेट हां कल करेंगे आज की नहीं आज भाई मैं थोड़ा सा ओहो अरे मतलब एक फ्रेंड की तबीयत खराब है फ्रेंड का वो क्या है गेट तो कैसा रहा भाई थाईलैंड आज हम हर्ष के कहने से सेक्टर 51 में आए पहली बार यहाँ पे कारीगरी है ना रेस्टोरेंट कारीगरी पे खाने जिसका हमने आधे घंटे तो इंतजार करा उन्होंने कह दिया था आधे घंटे सीट नहीं है तो हम गाड़ी घुमाते रहे आधा घंटा खाना ऐसा है कि मतलब एक बार को तो ईडी हो जाएगा मतलब लटवट बजेंगे एक बार देखते हैं भाई चलो ज्यादा हाइप बना दी ये कुछ लड़के नोएडा से बाहर नहीं निकलने की सोच रहे आधे घंटे में जिस रेस्टोरेंट की हाइप बनी अब उस पर खा के देखे कैसा है कैसा नहीं सर पानी रहेगा वो करके दिखा दो क्या खा लेके दिखा देसी हल्का सा विदेशी ये भी सेमी देसी अच्छा सेमी को भी सेमाई बोलने लगेगा गाड़ी साफ कर ले लेकिन मुझे लग रहा साला जितना सीखता जा रहा उतना पिछड़ता जा रहा है इससे तो कुछ साल बाद ही सीखू जब सब कुछ डिसाइड हो जा जो सीखता जा रहा है वो गलत होता जा रहा है वो पढ़े थे नो प्लेनेट थे अबे आठ क्यों हो गए बढ़िया है कुछ मामला ठाड़ा ही है वो मैं तो नहीं कहूंगा भाई इस टाइम इस फ्लैट में से एक दो तीन यार होगी इसके तो अफ्रीकन चौधरी यही बोल लगा यूएफसी वगैरह चल दिया भाई इसके आज कोई चढ़ ली वहां से नो वे मुझे फंडा करे दुख की बात है कि दो साल बाद ऐसा कुछ रहने का नहीं है दो साल बाद तो ऐसे और भी खराब माहौल होगा दो साल में किसका ब्याह हो सके किसका सबका दो साल में तो बग्गे इसी साल हो जाएगा तेरा तो सबका हो जाएगा आई एम गोना सरवाइव 24-25 फॉर श्योर तो कितने साल का अच्छा साल 24-25 हां मैं तो पहले ही 2000 में हुआ मेरी तो उम्र 3 साल के हिसाब से लगाओ 24 देख ले तो मेरे को पता लगे सोच गए बाहर का सुन के सोच रहे होगे गैंग बना लो एक अपना एक बार लक्ष्य वगैरह खुद को ऐसे ग्रुप एस्टेब्लिश करो यूट्यूब पे शुरू की बात है सारे एक जैसे कपड़े पहन के घूमो अब करोगे एक जैसे कपड़े पहन के गाड़ी में उतर रहे पांच ग्रुप ने उन्हें बाउंसर गए सिंगल चल रहे कदम नहीं रखे अच्छा
Where is the funny? अभी एक लड़का चाय भी बना सके बहुत बढ़िया। चाय चाय कोई नहीं पी रहा। नहीं वो बना। अरे अभी तो कुल्फी खाई 2 मिनट पहले। कुल्फी मैंने थोड़ी खाई। क्यों नहीं खाई बात तो वही है। कुल्फी किस किसने खाई आज तो पता नहीं खाई। सबने खाई? यही है। यही है। जरा फोटो खींच पर उसको। हाँ। वो तो बड़ा है। वे लूज अभी। दिक्कत कर दी कमजोर सैनिकों ने। कोई नहीं पीठ पवार कर रहे।